सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, सो देखो सेट्स का पहले क्या होता है इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं, फिर इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेट्स जो है ये कोई नया चीज नहीं है। जैसे आप जनरल लाइफ में आप लोग अपने घर में यूज करते होगे, जैसे आपके मदर या फिर आपके फादर अगर मार्केट जाते हैं तो आप उनसे बोलते हो कि पापा या मम्मी मेरे लिए क्या करना, एक सेट कॉपी ला देना, या एक सेट क्या ला देना, पेन ला देना, या फिर एक सेट जो है रबर ला देना। तो ये जो आप जो चीज डिस्कस करते हो ना, एक सेट, ठीक है, एक सेट पेन, एक सेट कॉपी, एक सेट ग्लास, यही क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। और सेट्स का जो जनरल मीनिंग होता है, अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, सो सेट का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चीजों को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। जैसे आपके पास चार पांच चीजें कलेक्ट हो गए, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मेरे पास एक सेट क्या है, कपड़े हैं, या एक सेट पेन है, एक सेट कॉपी है, एक सेट बुक्स हैं। तो ये जो सेट्स हैं इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया आपको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैथमेटिक्स में ये तो हो गया जनरल टर्म्स में कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म्स में जो सेट्स जो होता है उसका डेफिनेशन थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेट्स क्या होता है मैथमेटिक्स में, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, जो भी आप कलेक्शन कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब उसको पढ़ने के बाद जब आप उसके कलेक्शन के बारे में सोचो तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई कलेक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स में सेट्स बोलेंगे। तो वापिस से, व्हाट इज सेट्स, तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो ये इस चीज पर स्ट्रेस देना है हमको कि जो कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद जो है सेट्स। जैसे कि देखो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स तो मैंने आपको बता दिया कि सेट्स क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स में हमेशा होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ऑलवेज वी रिप्रेजेंट एनी सेट इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, और वो भी कैसा, कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि एक हमारे पास सेट है कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि उन सब नंबर्स का कलेक्शन, और कैसे नंबर, नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 10 से क्या हो, छोटे हो, तो कौन कौन आएंगे, और उसमें भी ऑड होना चाहिए, तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। उसके बाद देखो द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका भी कलेक्शन क्या हो जाएगा, एक सेट्स हो जाएगा। द वोवेल इन इंग्लिश, द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश के अल्फाबेट में पांच जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, उनका कलेक्शन भी एक तरीके से क्या है, सेट्स ही है। ठीक है, उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, आइसोसिलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसिलस ट्राइंगल, ऐसे आपने बहुत सारे ट्राइंगल्स पढ़े हुए हैं, तो उनका भी जो कलेक्शन वो भी क्या होगा, सेट्स होगा। उसके बाद देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के वो सारे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर होते हैं, तो देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी, 2 और 3। तो यहां पर हमने जितनी भी यहां पर एग्जाम्पल्स जो देखे, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, सेट्स के एग्जाम्पल है। क्यों सेट्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि जितने भी कंडीशन हमने पढ़े वो सारे कंडीशन कैसे हैं, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब उनको पढ़कर हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो किसी चीज को आप सेट कब बोलोगे, जब आप उस कंडीशन को पढ़ो और उस कंडीशन को पढ़ने के बाद जो जो चीजें आपके माइंड में आए उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे सेट्स। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल्स जो है देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे कि हर कलेक्शन जो होता है वो सेट नहीं होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज के कलेक्शन को आप सेट्स नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक सेट होगा ना वो डेफिनेटली क्या होगा, कलेक्शन होगा। ये चीजें आपको समझ में आएगी नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा,
उससे पहले कुछ मैथमेटिक्स के जो हमको पर्टिकुलरली टर्म्स जो है वो हमको क्या करने हैं, जो कि छोटे क्लासेस में हमने डिस्कस कर ली है उसके बारे में थोड़ा सा हमको और देख लेना है, क्योंकि अभी हम लोग जब सेट्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे तो वहां पर हमको इन सारे लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एज ऑलवेज आपको पता है, एज ऑलवेज जो एन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड जो होता है वो ऑल इंटीजर्स को, क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आर जो होता है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और अगर जेड माइनस आ जाएगा तो नेगेटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, और आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ये सारे एन जेड क्यू आर, ये सारे जो है लेटर्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप सेट्स को समझ सकते हो। तो बेसिकली बेसिक मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है, चीजों का कलेक्शन। यहां पर आपको डिफाइन भी कर दिया, देखो कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका अगर वेल डिफाइंड आपने किया है तो वो क्या होगा, एक सेट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर वो सेट जो है नहीं कहलाएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया किसको हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी कैपिटल लेटर में जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सिंबल आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, जैसे इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग आप स्पेलिंग देख लेना, एप्सिलॉन जो होता है इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ और एलिमेंट ऑफ। उसके तीन मीनिंग होते हैं, जब भी आपको ऐसा चीज मिलेगा ना, ऐसा ई जैसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं, ग्रीक में बोलते हैं इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि वो कहीं से बिलोंग कर रहा है। जैसे आप क्या हो, आपके फैमिली के एक मेंबर हो कि नहीं, तो आप अपने एक फैमिली के मेंबर हो तो आप अपने फैमिली से बिलोंग करते हो कि नहीं, आप एक स्कूल में पढ़ते हो आप उस स्कूल के मेंबर हो कि नहीं। तो उसी तरीके से ये जो सिंबल होता है उन्हें चीजों को बताता है। इसके तीन मीनिंग होते हैं, पहला ये बताता है इट बिलोंग्स टू, ये कहां से बिलोंग कर रहा है वहां पर यूज करेंगे। ये हमको बताता है मेंबर ऑफ, अभी आएगा फिल इन द ब्लैंक तो वहां पर डिस्कस करेंगे, बिलोंग्स टू हो गया, मेंबर ऑफ हो गया और एलिमेंट ऑफ। इसका तीन तीन मीनिंग जो है होता है, इस तीनों मीनिंग को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं, अच्छा इसी को थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर देता हूं कि मान लो हमारे पास एक सेट है ए। देखो सेट्स को हमेशा कैसा लिखा जाता है, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अभी मैं बताऊंगा दो फॉर्म। तो अभी मान लो हमारे पास एक सेट है 1, 2 और 3। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या ये जो 1 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है का मतलब उसमें है कि नहीं, तो आंसर है यस। तो इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा कैसे रीड कर सकते हैं, वन बिलोंग्स टू ए, एक तो ये रीड कर सकते हैं। दूसरा कैसे रीड कर सकते हैं, वन इज अ मेंबर ऑफ ए, और तीसरा कैसे कर सकते हैं हम लोग कि वन इज अ एलिमेंट ऑफ ए। इस तीन तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और अगर ऐसा सिंबल अगर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट में, ऐसा कटिंग लाइन आ गई, तो उसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अब देखो जो सेट्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स मेथड होते हैं, जिसमें एक है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मतलब किसी भी सेट को अब हम लोग बार बार वर्ड्स में तो नहीं लिखेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस तो नहीं पढ़ रहे जहां थ्योरी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सेट्स को जो है कोई भी कंडीशन दिया रहेगा तो उसको मैथमेटिक्स में हमको रिप्रेजेंट करना रहता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म है और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या बोल रहा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो ये जो 1, 2, 3 जो है ना किसी सेट के जो पार्ट होते हैं ना उसी को बोलते हैं एलिमेंट। सेट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बींग सेपरेटेड बाई कॉमा। जो एलिमेंट्स को आप लिखोगे, जैसे मैंने यहां पर 1, 2, 3 लिखा, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने यहां पर क्या यूज किया, कॉमा यूज किया। एन आर इनक्लोज्ड विद दिस ब्रैक्स, ब्रैक्स मतलब होता है ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो सेट्स को जब भी आप लिखोगे तो पहला तो आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इसके भीतर में जिस भी एलिमेंट को आप लिखोगे, जैसे 5 अल्फाबेट को लिख रहे हो, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, इस तरीके से आप उसको लिखोगे, ठीक है।
और एक और चीज आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर कोई चीज अगर एक बार आ चुकी है तो वही चीज को आप दोबारा कॉमा लगाकर जो है नहीं लिखोगे। ये क्या कहलाता है? हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको रोस्टर फॉर्म का दिया हुआ है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं रोस्टर फॉर्म का एक एग्जाम्पल जो है, जस्ट मिनट। हाँ, जैसे देखो एक कंडीशन दिया है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो हमने एक सेट एक कंसिडर कर लिया, अब इस ब्रैकेट में हमको उन सारे नंबर्स को लिखना है जो कि 42 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड कर सकता है कॉमा लगाकर, दूसरा कॉमा लगाकर, 3 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, 14 डिवाइड कर सकता है, 21 डिवाइड कर सकता है, और खुद 42 भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। और कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो देखो यहां पर हमने सारे एलिमेंट्स को लिखे, और सारे एलिमेंट्स को हमने कैसा लिखा? कॉमा लगाकर लिखा, और कोई भी एलिमेंट जो है यहां पर रिपीट नहीं हुई है। तो ये जो फॉर्म है लिखने का, ये क्या कहलाता है? हमारा रोस्टर फॉर्म जो है कहलाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग इसके बेसिस पर देखते हैं। जैसे देखो द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको भी आप चाहो तो ए इज इक्वल टू, या फिर बी इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, जो भी लिखना है आप उनको लिखो, और यहां पर कॉमा हर एक एलिमेंट के बीच में लगा दो, और कोई चीज जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको ये जो स्कूल है, स्कूल वर्ड में आने वाले सारे लेटर्स का कलेक्शन आपको बताना है, तो मान लो मैंने उस सेट का नाम मान लिया x, और x क्या है? स्कूल वर्ड में आने वाले लेटर्स का कलेक्शन। तो s आ गया, उसके बाद c आ गया, फिर कॉमा लगाकर h आ गया, फिर o आ गया। अब देखो स्कूल वर्ड में जो है क्या होता है, दो o आता है, एक o आ गया तो दोबारा यहां पर आप o नहीं लिखोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि एस को आप पहले ही लिखो। मतलब आप अगर ओ लेटर से आपको बहुत प्यार है तो ओ से चालू करो, फिर सी से चालू करो, फिर एच से चालू करो, फिर एल से लिखो, और लास्ट में एस को लिखो। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर क्या करता है? कोई भी चीज रिपीट नहीं होने चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी चीज आपको रिपीट भी नहीं करनी है, आप ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे किसी भी सेट्स का लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड सेट। फॉर एग्जाम्पल इन द सेट ऑफ ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो ऑल द एलिमेंट पोजेसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, यहां पर ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सब में वो चीज क्या है? कॉमन है। ठीक है, इन सब चीज में जो कॉमन है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये सब क्या है? ये इंग्लिश के वॉवल्स हैं। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो इसको हम लोग किसी भी सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी डिनोटिंग दिस सेट बाय वी, यहां पर इसने वी से रिप्रेजेंट किया है, तो आप लिखोगे वी इज अ सेट इज इक्वल टू, क्या रीड करोगे? इज अ सेट ऑफ एक्स, वी इज इक्वल टू लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, एक्स लिखोगे, और यहां पर दो डॉट लगाओगे। ठीक है, दो डॉट लगाओगे, इस साइन को हम लोग बोलते हैं आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन। और इसको रीड कैसे करते हैं? सच दैट भी रीड करते हैं, और द सेट्स ऑफ ऑल करके ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करोगे? वी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि एक्स जो है वो क्या है? इंग्लिश में आने वाले वॉवल्स हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि ए ई आई ओ यू, बस फर्क क्या है, इसमें हमने वो आने वाले एलिमेंट्स को लिख दिया और इसमें हमने वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आप किसी सेट के डिस्क्रिप्शन को अगर आप सेट्स के मतलब लेटर्स के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। और रोस्टर फॉर्म में आप कॉमा लगा लगा कर एलिमेंट को लिखते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आप कैसे लिखते हो, समझ में आ गया आपको? वर्ड्स के फॉर्म में आपको, सेंटेंस के फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऊपर में हमने डिस्कशन किया था कि 42 को डिवाइड करने वाले उसके फैक्टर्स, तो यहां पर उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो कि ए इज अ सेट, ए इज इक्वल टू दिया है कि नहीं, तो ए इज इक्वल टू सेट और एक्स है, मतलब ए इज अ सेट ऑफ एक्स
सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x जो है उन सारे नंबर्स का कलेक्शन है जो कि नेचुरल नंबर है और 42 को डिवाइड करते हैं. ऐसे आप इन चीजों को जो है लिख सकते हो. ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी. रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगा के एलिमेंट्स को लिखना है और कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए. और दूसरा चीज सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कैसे लिखना है उसको स्टेटमेंट के टर्म्स में जो है आपको लिखना है. ठीक है, इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, उस एग्जांपल के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर आएंगे. तो देखो एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर फॉर्म दिया है और राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको मैच करना है. पहला चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि यह उन सब का कलेक्शन है जो कि प्रिंसिपल वर्ड में आता है. तो फर्स्ट किससे मैच होगा, डी से. उसके बाद देखो जीरो, जीरो किससे मैच होगा, अब इसको आपको बताना है. देखो तो उस जीरो कहां पर जाएगा, क्या ये एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर इन द डिवाइजर ऑफ 18, क्या ये 18 के डिवाइजर है, नहीं है, जीरो तो नहीं है. ठीक है, उसके बाद यहां देखते हैं कि क्या इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो. जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9, और एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3. मतलब जो 4 वाला है वो किससे मैच होगा, बी से जो है मैच होगा. तो जीरो वाला किससे मैच होगा, तो थर्ड वाले को आप सॉल्व करो. देखो यहां पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो x की वैल्यू यहां पर क्या जाएगी, जीरो. मतलब सेकेंड वाला किससे मैच होगा, सी से मैच होगा, और जो सी वाला बचा वो किससे मैच होगा, ए से जो है मैच हो जाए. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे यहां पर देखो राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे सबसे पहले जो भी चीज दिया है उन सब में आप एक रिलेशन को ढूंढोगे. अगर रिलेशन आपको पता चल गया तभी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, तो जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. चाहे सब में रिलेशन होगा, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन होगा. तो देखो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, जैसे यहाँ 1 है तो 1 से 1 एक्स्ट्रा 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 1 एक्स्ट्रा 3 है, 3 है, 3 से 1 एक्स्ट्रा 4 है, 4 से 1 एक्स्ट्रा 5 है. मतलब जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है. तो आप इसको कैसे लिखोगे कि a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे x, और सच दैट x इज इक्वल टू, यहां पर कैसा रिलेशन मिल रहा है आपको, तो ऊपर में n है और नीचे में n प्लस 1 है. या आप चाहो तो यहां पर a अपॉन में a प्लस 1 भी लिख सकते हो, लेकिन a को डिफाइन कर देना कि a क्या है, नेचुरल नंबर है भैया. देखो n के जगह जब 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2, जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2/3. मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से. और अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. तो यहां पर जो हमने n लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसमें भी फिर आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी. दैट मींस कि यहां पर आप इस n की वैल्यू कहां तक रखोगे, क्या आप इंफिनिटी तक रखोगे, आंसर है नहीं. यहां पर कहां तक गया, ये 6 तक. तो आप n की वैल्यू मिनिमम कितना रख सकते हो, 1, और मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 6. तो आप यहां पर एक बाउंड्री कंडीशन लगाओगे कि ये जो n है इस n की वैल्यू 1 होगी और 1 से बड़ी होगी और 6 भी होगी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी. इसको रीड कैसे करते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6. मतलब 1 भी आएगा, 6 भी आएगा और इसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे. तो जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जाओ आप सबसे पहले देखना कि उन सब में आपस में क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन जो है होगा, आपको मिलेगा ही. चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे. देखो Which of the following are sets? Justify your answer. कुछ conditions हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, उन conditions में से हमको बताना है कि कौन सा conditions जो है set है और कौन सा condition जो है set नहीं है. जैसे देखो पहला condition, पहला question क्या है, The collection of all the months of a year. एक साल में 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने में से उन महीनों का collection जो किससे start होते हैं, English के alphabet के letter J से start होते हैं. तो J से start होने वाले कौन कौन से month हैं? तो ये है जनवरी, उसके बाद जून और जुलाई. क्या मैं आपसे पूछूं या आपके फ्रेंड से पूछूं, दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा कि नहीं,
रहेगा ही, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़कर किसी दो लोगों के आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। मतलब दो लोग से पूछो, तीन लोग से पूछो, चार लोग से पूछो, किसी से पूछो, उनके आंसर अलग अलग नहीं होंगे। मतलब ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। तो क्या लिखोगे यहां पर, यस दी वन कंडीशन इज अ सेट बिकॉज द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड करके, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम आपको लिखने हैं। तो मैं जिनके नॉवेल्स या जिनके बुक्स पढ़ा हूं, जिन ऑथर्स के, मैं उनका नाम बताऊंगा, आप जिनके बारे में पढ़े हो आप उनके बताओगे। तो जरूरी तो नहीं है कि आप दोनों के आंसर जो है, मतलब मेरे आंसर और आपके आंसर सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट नहीं है, क्योंकि यहां पर दो लोगों के आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, दो लोगों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो सेकेंड वाला जो है सेट नहीं है। फिर तीसरा देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि जब मैं अपना 11 बनाऊंगा बेस्ट 11, तो उसमें मैं किसी और को रखूंगा। आप किसी और का नाम बनाओगे तो उसमें किसी और को रखोगे, पाकिस्तान के किसी आदमी से पूछोगे तो वो अपना प्लेइंग 11 अलग बनाएगा, ठीक है। तो इसके भी आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो जिस भी केस में आंसर अलग अलग होंगे वो सेट नहीं होगा। फिर फोर्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो डेफिनेटली सेट है। भले ही आपको क्लास में आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके नाम ना पता हो, लेकिन आपके क्लास में जितने बॉयस हैं वो तो सब आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या होगा, एक सेट होगा। नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नीचे के लेस देन कौन कौन से होंगे नेचुरल नंबर, 1, 2, अप टू कहां तक, 99 तक। अगर मैं आपसे पूछूं तब भी आप यही आंसर बताओगे, मैं किसी और से पूछूं तब भी यही आंसर बताएगा वो। तो यहां पर ये वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई ये एक सेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है एक बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने बहुत सारे जो है बुक्स लिखी हैं। तो उनके जो नॉवेल्स हैं क्या उनका कलेक्शन एक सेट होगा, तो आंसर है यस, उनका जो है कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है और उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं भले उसके नाम आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो उनके लिमिटेड जो है मिल जाएंगे, और जिसको पता होगा वो तो आंसर आपको बताएगा ही, मतलब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8 इवन इंटीजर्स, -2, -4 भी हो सकता है इवन इंटीजर्स में। तो ये क्या है, ये भी वेल डिफाइंड है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स व्हाई ये वाला भी एक सेट है। आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं क्या उनका कलेक्शन जो है एक सेट होगा, तो आंसर यस होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं, मेरे बुक में जितने क्वेश्चन हैं आपके बुक में भी उतने ही क्वेश्चन होंगे, तो यहां पर हमको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एक सेट है। फिर नेक्स्ट है देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अब भैया क्या ये आप सेट हो सकता है, आप खुद सोचो 2 मिनट वीडियो पॉज करके, और आप मेरे को बताओ कि क्या 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल जो हैं वो दो लोगों के आंसर में सेम हो सकते हैं, नहीं। अगर मेरे को कुत्ते ने काटा होगा तो मैं बोलूंगा कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन है, कुत्ता है, क्योंकि उसके काटने से 14 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। किसी को अगर स्नेक ने काटा होगा तो वो बोलेगा कि स्नेक जो होता है बहुत पॉइजनियस होता है, तो वो मोस्ट डेंजरस है। अगर किसी का सामना लायन या टाइगर के साथ हो गया, चीता के साथ हो गया, तो बोलेगा कि अरे बड़ा खतरनाक होता है, वो अगर काट ले तो फिर बचते ही नहीं है। तो ऐसे अलग अलग जो है लोगों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, दैट्स वाई लास्ट वाला जो है वो एक सेट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक सेट हमको दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको एक एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो यहां पर फर्स्ट है, क्या 5A पेयर है, बिलोंग कर रहा है, यस। तो यहां पर कौन सा सिंबल यूज करोगे, बिलोंग्स टू। अच्छा क्या 8A पर है, नहीं है, तो यहां पर कौन सा सिंबल यूज करोगे, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, यस है, तो बिलोंग्स टू। 2 है, यस बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो सेट ए में दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसको आप ऐसा साइन यूज करोगे बिलोंग्स टू, और जो सेट ए में नहीं दिख रहा उसके जगह आप क्या यूज करोगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपका, एक ही टाइप का है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो सेट्स दिए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, और आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जस्ट अपोजिट है, यहां पर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखते हैं, जैसे फर्स्ट
x इज अ सेट ऑफ a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x की जो वैल्यू है वो -3 और -3 से बड़ा है और 7 और 7 से छोटा है. तो आप लिखना a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. क्योंकि इधर ऐसा इक्वल दैट वाला साइन नहीं है तो कहां तक जाएगा, सिर्फ 6 तक जो है ये जाएगा. तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म. उसके बाद सेकंड वाले में देखो b इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से लेस देन. उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है मतलब 10 से लेके 99 तक के बीच के नंबर्स आएंगे इसमें, ठीक है. सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 18 और उनका समेशन कितना होना चाहिए 18. तो आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाओगे और कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका समेशन 8 जो है हमको मिलता है, तो 17 है, 7 प्लस 1 कितना होगा 8 होगा, 26 है, 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा. उसके बाद 35 है, दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा, 44 है, दोनों को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा. डिजिट मतलब डिजिट्स को ऐड करना है ना. उसके बाद 53 है, उसके बाद 62 है, उसके बाद 71 है और लास्ट में क्या है 80 है. ये 2 डिजिट नंबर भी हैं और सबको आप ऐड करके देखो आपको क्या मिलेगा, समेशन 8 जो है आपको मिलेगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि d एक सेट है कैसा, प्राइम नंबर्स का, और जो कि किसको डिवाइड करता है, 60 को डिवाइड करता है. तो आंसर क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू बताओ भाई प्राइम नंबर भी और 60 को डिवाइड करने वाले भी, तो 2, 3 और 5. इसके अलावा कोई और नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता हो और प्राइम नंबर हो? आई थिंक नहीं है, ठीक है. यही तीन है, प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड भी करते हैं. आप बोलोगे 12, लेकिन 12 तो प्राइम नंबर नहीं भी है, वो कंपोजिट नंबर है. प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में आने वाले सारे चीजों को लिखना है, तो e इज इक्वल टू लिखना देखो टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन. एन के बाद आया है ओ, लेकिन ओ तो पहले आ चुका है तो ओ को नहीं लिखेंगे, ठीक है. एम उसके बाद लिखेंगे एम, उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद टी तो फिर आ चुका है, टी को और दोबारा नहीं लिखेंगे. आर भी आ चुका है तो क्या लिखेंगे, वाई. तो जो चीजें आ चुकी हैं उसको आप दोबारा नहीं लिखोगे, ठीक है. उसके बाद देखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बेटर में आने वाले सारे चीजों को लिखना है, तो बेटर वर्ड में जो आने वाले जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, बी कॉमा ई कॉमा डबल टी है, तो डबल टी में से आप क्या करोगे, एक टी को लिखोगे ना, 2 टी को थोड़ी लिखोगे, ठीक है. तो बेटर में आप जब सेट बनाओगे इसका तो आप क्या लिखोगे, बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर. कोई चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो पहले का आंसर देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स सच दैट का लगाओगे, जैसे उदाहरण में देखे एग्जांपल में देखे थे सच दैट. अच्छा इन सब में क्या रिलेशन है देखो, 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. तो आप लिखोगे कि a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और यहां पर लिख देना कि n इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहां पर आप जो n लिखने वाले हो, स्मॉल n, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से. अब आप n की क्या वैल्यू रखोगे, मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यू रखोगे, आपको बाउंड्री कंडीशन भी लगाना पड़ेगा. तो n की वैल्यू आप रखोगे 1 और 1 से बड़ा और 4 और 4 से छोटा, क्योंकि 5 तो नहीं रह सकते, क्योंकि 5 रखोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 तो इसमें दिया ही नहीं है. तो पहले का आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और जो इस वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और उसके लिए बाउंड्री कंडीशन ये है, ठीक है. दूसरा चलते हैं सेकंड पे देखते हैं, सेकंड का नाम लिख लेते हैं b. पहले तो देखो इस सेकंड में क्या रिलेशन है, तो b इज इक्वल टू मैं मान लो लिख लेता हूं y, और सच दैट y इज इक्वल टू इन सब में क्या रिलेशन है, एक बार देखो भैया इन सब में क्या रिलेशन है, 2, 4, 8, 16, 32, क्या ये 2 के टेबल में आते हैं, आंसर है नहीं. ये किसके रिलेशन में आएंगे, 2 की पावर n में. जब आप n के जगह 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, जब आप n के जगह 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, जब आप n के जगह 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, जब आप n के जगह 4 रखोगे तो आपको 16 मिलेगा. तो यहां पर कॉमा लगाओगे और अगेन लिखोगे कि n कहां से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से, और यहां पर n का बाउंड्री कंडीशन क्या होना चाहिए, आपको तो बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा. तो मिनिमम आप n के जगह क्या रख सकते हो, 1,
तो वन और वन से बड़ा और कहां तक गया है, फाइव तक। अगर आप टू की पावर फाइव रखोगे तो आपको 32 मिलेगा, आप सिक्स रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर एन का बाउंड्री कंडीशन ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला जो है ये किसके फॉर्म में है, 5 टू दी पावर n के फॉर्म में, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बाउंड्री कंडीशन आप क्या लिखोगे, 1 और 1 से बड़ा और कहां तक गया, 1 2 3 4 और 4 से छोटा, आप इस तरीके से इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर, अच्छा इन सब तीनों चीजों में लिमिटेड नंबर थे, दैट्स व्हाई हमने यहां पर बाउंड्री कंडीशन यूज किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको जब आप लिखोगे सी या डी करके जो भी सेट का नाम देना चाहो, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहां पर इन सब में क्या रिलेशन है, तो ये 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2n और यहां पर हम लोग लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या यहां पर हमको बाउंड्री कंडीशन लगाने की जरूरत है, आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 4 6 8 कहां तक जा रहे हैं हमको तो पता ही नहीं है भैया, कि कहां तक खत्म करना है हमको, पता है क्या आपको, नहीं पता है। तो हम लोग यहीं तक लिख के इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। डॉट डॉट लगा है तो यहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं, तो उसको मान लेते हैं सेट ई, और ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये सब क्या है, 1 4 9 डेस डेस डेस, मतलब बीच के नंबर आए हैं, और 100। तो आप लिखोगे ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इन सब में क्या रिलेशन है, तो देखो ये है एन के स्क्वायर, जब आप n के जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, जब आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसी तरीके से जब आप 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि लिमिटेड नंबर है। तो कहां से कहां तक रख सकते हो, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको ऑरली सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके आपको सेट रोस्टर फॉर्म में दिखना है, इन सबको क्या दिया है, देखो पहला कि x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड मतलब 1 3 5 कहां तक जाएगा पता है क्या, नहीं, तो डेस 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 करके छोड़ देना, ठीक है। फिर सेकेंड का आंसर देखो, x एक इंटीजर है तो -1/2 के बाद क्या आता है, 0/2, फिर 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 और 8/2, क्योंकि यहां पर क्या है, ऐसा इक्वल साइन नहीं है, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, तो 8/2 तक के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को, इसमें बोल रहा है कि x एक इंटीजर है और x की वैल्यू आपको ऐसी पुट करनी है जिसको पुट करने के बाद वो 4 और 4 से छोटा आए, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, देखो जब आप 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और 0 4 से छोटा होता है कि नहीं, ठीक है, तो 0 रख सकते हो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 4 से छोटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहां पर आएगा 4, और यहां पर इक्वल है तो 4 और 4 आपस में इक्वल होते हैं, मतलब आप इसके जगह 1 और 2 भी रख सकते हो, क्या 3 रख सकते हो, आंसर है नहीं, क्योंकि जब आप x के जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 9 4 से छोटा नहीं होता, तो और क्या रख सकते हैं, तो आंसर यहां पर -1 रख सकते हैं, क्योंकि -1 का जब रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, ठीक है, और वो 4 से छोटा होता है। उसके बाद क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -2 का स्क्वायर +4 आएगा, और +4 4 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लॉयल, तो लॉयल को कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, एल ओ वाई और ए, एल को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, और इसको मान लेने जो भी दिया, डी इज इक्वल टू या सी इज इक्वल टू करके, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उन मंथ के नाम बताओ जिसमें 31 डेज नहीं होते, आराम से लिख सकते हो 31 डेज कौन कौन से नहीं होते उनको लिख देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के, के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट, आपको वोवेल्स नहीं लिखने हैं, तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, जे आएगा, ठीक है, के तो नहीं आएगा क्योंकि के से पहले का बोल रहा है और कॉन्सोनेंट, तो ये सारे जो है इसके आंसर है, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज का, देखो मैच द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर, वही चीज है जैसे हम एग्जांपल में हमने किया था, इधर हमको रोस्टर फॉर्म दिया, इधर हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया, मैचिंग करना है, तो देखो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये मैथमेटिक्स से जो है मैच होगा। 2 और 3 किससे मैच होगा, देखो तो ये होगा फर्स्ट से मैच होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम पर है और 6 के डिवाइजर भी है,
ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर आपको दिया 1, 3, 5, 7, 9, तो ये किससे मैच होगा, बी से मैच होगा, क्यों, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर और लेस देन 10। उसके बाद जो बचा फर्स्ट वाला किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका मैच होगा सी से जो है मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आप किससे मैच कर देना, सी से जो है मैच कर देना, क्यों, क्योंकि ये सब 1, 2, 3, 6 जो है वो 6 के क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। सो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ मी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।